Now let's see one more example regarding practice about getchar function. Here we are calling getchar function directly inside printf functions. Means getchar function ka working same rahega. It will read single character from input buffer. After reading it will return ASCII value of reading character. Then finally buffer pointer or buffer cursor will be moved on the next position or next byte. Again, as we know, in case of printf function, printf के अंदर एक से ज़्यादा arguments supply किए, then arguments के respect में इनका execution कैसे होगा from right to left directions. Means अगर printf के अंदर कोई भी expression supply होता है, then सबसे पहले इसके argument कैसे process होंगे from right to left. पहले right most, then that. As we are discussing in operators, operators के केस में printf के अंदर अगर आपने एक से ज़्यादा expression supply किए हैं जहाँ argument, then सबसे पहले solve किसको किया था? Last expression, then second last, like that. Similarly, same property we are following regarding printf function in that example. In that case, सबसे पहले execution किसका हुआ? Last getchar, then second last, then that one, like that. तो सबसे पहले chance किसको देंगे? Getchar function. जैसे इस प्रोग्राम का execution start हुआ, again getchar function execute हुआ. Getchar function का working क्या है? It will read a single character from स्टैंडर्ड इनपुट ऑफर एस टी डी इन. इस केस में डायग्राम ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया. इन दैट केस जैसे पर्टिकुलर getchar फंक्शन एस टी डी इन से कैरेक्टर रीड करने के लिए ट्राई करें, इसलिए अभी बफर कैसा है? एम्प्टी. एम्प्टी तो इस केस में रिक्वायर्ड किया एंटरिंग सम कैरेक्टर्स फ्रॉम कीबोर्ड है. नथिंग इज न्यू हियर, सेम एज प्रीवियस प्रॉपर्टीज, जस्ट वी आर एंटरिंग ए बी सी डी लाइक दैट. देन फाइनली एंटर की. देन ASCII वैल्यू ऑफ ए 65, 66, 67, 68, 69 एंड एंटर की एज इक्वल टू 10. नेक्स्ट में इनिशियली बफर पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग ऑन द फर्स्ट बाइट. तो सबसे पहले इस केस में बात करें कौन सा getchar एग्जीक्यूट हो, फर्स्ट और लास्ट? लास्ट getchar फंक्शन. व्हाट इज द वर्किंग? सेम प्रॉपर्टी फॉलो करना है वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस वीडियोज. फर्स्ट में इट विल रीड सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम करेंट पोजिशन ऑफ द बफर पॉइंटर. करेंट पोजिशन में 65 फाउंड हो रहा है, इसलिए रीड क्या करेगा? 65. देन कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न करेंगे रीडिंग कैरेक्टर 65 ASCII वैल्यू. आफ्टर रीडिंग करेंट बाइट इट विल मूव बफर पॉइंटर ऑन द नेक्स्ट बाइट. नाउ पॉइंटर विल पॉइंटिंग ऑन द सेकेंड बाइट. करेंटली अब कर्सर कहाँ सेट ऑन द सेकेंड बाइट्स. नेक्स्ट टाइम फिर से कॉल करेंगे getchar फंक्शन. नेक्स्ट टाइम जब getchar फंक्शन कॉल होगा अगेन इसके थ्रू, डेटा किस प्लेस रीड हुआ? फ्रॉम सेम प्लेस ऑन द एस टी डी इन. फ्रॉम द एस टी डी इन रीड क्या हुआ? ASCII वैल्यू फ्रॉम करेंट बाइट्स. या इसके इसमें करेंट बाइट्स में फाउंड क्या हो रहा? 66. तो नेक्स्ट टाइम क्या रीड हुआ? 66. देन बफर पॉइंटर सेट हो जाए ऑन द नेक्स्ट बाइट. इट विल मूव्स ऑन द नेक्स्ट बाइट लाइक दैट. अगेन फिर से रिकॉल क्या करें? getchar. अगेन सेम getchar फंक्शन रीड करेगा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट बफर एस टी डी इन. ASCII वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है? 67. इसलिए रीड क्या हुआ? 67. नेक्स्ट वन. फाइनली अब कर्सर कम हो जाए ऑन द नेक्स्ट बाइट 68. फाइनली फर्स्ट परसेंट सी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे कैरेक्टर वैल्यू ऑफ 67 विच इज सी. नेक्स्ट परसेंट सी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे कैरेक्टर वैल्यू ऑफ 66 विच इज बी. नेक्स्ट परसेंट सी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे कैरेक्टर वैल्यू है 65 इज ए. फाइनली इस केस में डिस्प्ले क्या हुआ प्रिंट एफ से? डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ और आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट एफ फंक्शन विल बी सी स्पेस बी स्पेस ए. इस केस में डेटा बफर से लेफ्ट टू राइट ही रीड हुआ, लेकिन प्रिंट एफ के बिहेवियर के अकॉर्डिंग सबसे पहले राइट एंड getchar को चांस होना था, इसलिए सबसे पहले क्या डिस्प्ले हुआ है? सी बी ए. मीन्स डेटा रीड कैसे हुआ? राइट टू लेफ्ट, लेकिन डिस्प्ले कैसे हुआ? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज द बिहेवियर ऑफ प्रिंट एफ एंड getchar.